तो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे, उसको सीखेंगे। ठीक है, एरे क्या है और एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। ठीक है, तो एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम वेरिएबल में केवल एक वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं ना, जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने नेम ले लिया गौरव, तो वेरिएबल बनाया नेम और उसके अंदर वैल्यू क्या है, गौरव। अब मुझे दूसरी वैल्यू डालनी है, माना मुझे कमल भी स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा। अगर हम एरे में ऐसे बनाएंगे तो हम एक साथ बहुत सारी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एडिटर में देखते हैं कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने एडिटर पे आ गए हैं। ठीक है, आज वीएस में कोड कर रहे हैं। मैंने टाइटल डाल दिया है एरे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के अंदर आके पहले देखते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो एरे के लिए क्या, जैसे हमने पहले वेरिएबल दिखा था आपको, वेयर नेम इजकल टू, मैंने लिख दिया क्या, मेरा नेम है जैसे गौरव, तो मैंने गौरव लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल क्रिएट करना आप पहले भी सीख चुके हैं। अब मुझे इसमें दूसरी वैल्यू डालनी है, माना कोई कमल लिखना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं दूसरा वेयर बनाऊंगा, दूसरा वेयर नेम वन इजकल टू कमल। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वैल्यू इसमें नहीं आ सकती इकट्ठी, तो इसके लिए ही एरे को क्रिएट किया। ठीक है, तो एरे को कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। एरे के लिए मैंने बनाया वेयर, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट लेता हूँ, तो मैंने एरे का नेम क्या दे दिया, स्टूडेंट। ठीक है, तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं देखिए, मैंने ये लगाया, उसके बाद आपको क्या करना है, राउंड ब्रेसेस लेने हैं। राउंड ब्रेसेस ले लिए, इसके अंदर आपका एरे, ये एक एरे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इसे सेमी कॉलन किया और अंदर आप स्ट्रिंग बुलियन या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टूडेंट में डेटा ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, सारी, तो मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ले ली मैंने क्या, पंकज की। ठीक है, तो कोई पंकज है, ठीक है, पंकज के बाद मैंने इसकी एज ले ली, या इसके फादर का नेम ले लिया, तो बीच में आप कॉमा लगाएंगे और इसके फादर का नेम हो गया गोपाल। ठीक है, और उसके बाद आपको एज लिखनी है, एज क्या होगी, तो एज के लिए क्या करेंगे आप, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी एज, ये तो आप देख चुके हैं कि डेटा टाइप क्या क्या है करके। ठीक है, तो इसके बाद ये भाई मेल है मेल। ठीक है, और उसके बाद ये कोई कोर्स कर रहा है, माना बीटेक की डिग्री कर रहा है, तो बीटेक लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वेयर स्टैंड मैंने क्या बनाया, पंकज, उसके फादर का नेम, उसकी एज और जेंडर और कोर्स। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो प्रिंट कराने का तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने प्रिंट करा दिया इसको, तो स्टूडेंट, तो ये एक एरे था। ठीक है, तो एरे को क्रिएट करने का तरीका इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़, हमने पहाड़ खोदना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एरे प्रिंट हो गया, पंकज फादर नेम, उसकी एज और जो उसका जेंडर और कोर्स। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसे आपने एरे को क्रिएट किया, एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को ले लिया। ठीक है, अब तो इसमें एरे को तो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब माना मैं इसमें से, जैसे मैंने पंकज लिखा है ना, तो मैं पंकज हटा देता हूँ, मैं पंकज का डेटा नहीं लिखता अभी। ठीक है, तो मैंने इतना लिखा। ठीक है, ये मैंने एरे क्रिएट किया था, आपने देखा। अब मैं इसी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें एरर जो आ रही इसके कारण सारी। अब देखो, एक वैल्यू है पंकज, अब मैं इसके अंदर दो तीन वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे मैंने पंकज लिखा, कमल लिखा, ठीक है, कमल और चंदन लिख दिया, और एक और वैल्यू लिख दी मैंने दीपक। अब आपके पास एरे के अंदर वैल्यू कितनी है, चार वैल्यू है, तो चार में से प्रिंट करा के दिखा, ये देखिए आ गया। अब मुझे आपको मतलब कोई चार वैल्यू में से एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने चार वैल्यू लिखी है, या चार के इसमें 4000 भी हो सकती है, वैल्यूज कितनी भी हो सकती है एरे के अंदर, कोई फिक्स नहीं है कि आप नहीं एक एरे के अंदर दो ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है, कितनी भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक वैल्यू निकालनी है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग होती है। जैसे आपने फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेज देखा होगा, तो बुक के फर्स्ट पेज में क्या होता है, इंडेक्स दिए रहते हैं, इस पेज से इस पेज में ये वाला चैप्टर है, इस पेज में ये है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको इंडेक्सिंग किए रहते हैं ना, तो एरे में भी इंडेक्स ही होते हैं। ठीक है, कि ये इंडेक्सिंग इसको दिया रहेगा, ये इंडेक्स नंबर इसको दिया रहेगा, ये जैसे यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे आप कहेंगे पंकज को 1 इंडेक्सिंग दी होगी, कमल को 2, चंदन को 3 और दीपक को 4, बट ये गलत है। एरे में जो होती है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 में पंकज आएगा, सॉरी, और 1 में कमल आएगा, 2 में चंदन, 3 में
चल देखते हैं इसे कैसे। तो जैसे मैंने निकालना है क्या, चंदन का डेटा निकालना है। अभी तो डेटा हमने कुछ डाला नहीं है, मतलब नॉर्मली माना चंदन के पास कोई डेटा है, चंदन की कोई मतलब एज वेज सब कुछ है, ठीक है। तो हमें केवल अभी चंदन नेम निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ भी राउंड ब्रेसेस यूज करनी है, स्टूडेंट के अंदर राउंड ब्रेसेस करी। उसके बाद चंदन किस इंडेक्स में है, 0, 1, 2 में, 2 में है ना। अभी देखिए आपको समझ आ जाएगा, मैं प्रिंट करा था, देखिए क्या निकला, चंदन, ठीक है। अब आप, मैं पहले बोल चुका हूं कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, ये याद रखना, 0, 1, 2, 1 से नहीं, 0 से, एरे हमेशा 0 से शुरू होगा। जैसे मैं 0 डालता हूं तो कौन सी वैल्यू आएगी, पंकज की, देखिए, ठीक है। तो ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं। अगर मैं 4 लिखूं, देखो मैंने 4 लिख दिया अनडिफाइंड, क्योंकि 4 कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है उसे। तो ये एरे 3 तक है, तो 3 करेंगे तो दीपक प्रिंट हो जाएगा। तो क्या एरे को क्रिएट करने का तरीका, एरे को नॉर्मली आप वेयर, जो भी लेट वो ये वेयर का यूज करते हैं वो तो अलग बात है, राउंड ब्रेसेस का यूज करेंगे, उसके अंदर एरे को लिखेंगे, ठीक है। तो आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट कराने का तरीका जावास्क्रिप्ट में सब में एक जैसा है, और एरे की इंडेक्सिंग, एरे की इंडेक्सिंग बहुत मेन है। अभी तो खाली ये कम डेटा है हमारे पास, केवल 3-4 डेटा है, तो आसानी से हम कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में इसे थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो आप इसे आराम से देखिए, इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए एक लाइन का कोड है, 4 या आपको जितने डेटा वैल्यूज इसमें डालनी है आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने दीपक लिखा था, क्या है एरे में कुछ नहीं है, आपको बस इसके बाद अगली वैल्यू डाल देनी है। जैसे मैंने फिर कमल डाल दी, तो कमल को अभी वैसे 2 वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 2 को प्रिंट नहीं करेगा, अच्छा मैंने अभी यहाँ पे ना, तो मैं अभी 4 डालता हूँ, देखिए क्या कमल प्रिंट होता है, हुआ ना। अगर देखिए कैपिटल स्मॉल में है, अगर मैं ऐसे करूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट होगा पूरा, ये देखिए पंकज कमल चंदन दीपक कमल, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। आगे